रूस यूक्रेन युद्ध जो कि कई महीनों से चला आ रहा है, और जब ये शुरू हुआ तो शुरू होने के बाद पश्चिमी देशों ने भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की थी, और कोशिश ये थी कि वो रूस से व्यापार ना करे। हालांकि ये दबाव भारत पर बेअसर साबित हुआ और उसने हिंसा की आलोचना करते हुए रूस से तेल खरीदना जारी रखा। अब अमेरिका समझ चुका है कि भारत उसके आगे नहीं झुकेगा। यूरोपीय और यूरेशियन मामलों के अमेरिकी असिस्टेंट सेक्रेटरी करेन जोनफ्राइड ने बुधवार को कहा कि अमेरिका रूस से तेल खरीदने के लिए नई दिल्ली पर प्रतिबंध नहीं लगाएगा। उन्होंने कहा कि भारत अमेरिका के संबंध सबसे अधिक अहम हो जाते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक जोनफ्राइड ने कहा है कि हम भारत पर प्रतिबंध लगाने के बारे में नहीं सोच रहे हैं। भारत के साथ हमारा संबंध सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। भारत जितना चाहे उतना तेल रूस से खरीद सकता है। भारत लगातार हिंसा की निंदा कर रहा है और बातचीत के माध्यम से विवाद को हल करने पर जोर दे रहा है। अपने नागरिकों के हित के लिए भारत ने रूस के साथ व्यापार जारी रखने का कड़ा रुख भी अपनाया है, क्योंकि ये भारत के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि भारत अमेरिका सुरक्षा एजेंडा कितना खास है। पिछले साल जब पश्चिमी देशों ने भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की, तब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूरोप में आलोचकों की बोलती बंद कर दी थी। अमेरिका के ऊर्जा संसाधन के असिस्टेंट सेक्रेटरी जेफ्री पाइक्स ने कहा था कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पिछले एक साल में वैश्विक ऊर्जा बाजारों को बाधित करने के लिए जो किया है, उसे देखते हुए भारत और अमेरिका जिस ऊर्जा सुरक्षा एजेंडे पर काम कर रहा है वो बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि रूस ने अपने तेल और गैस को हथियार बनाकर ये दिखा दिया कि वो फिर से एक विश्वसनीय एनर्जी सप्लायर नहीं बन पाएगा। ये वैश्विक तेल और गैस की कीमतों में एक मामूली बढ़ोतरी का कारण बना, जो दुनिया भर में अभी भी जारी है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2022 में भारत ने एक दिन में औसतन 1.2 मिलियन बैरल तेल खरीदा, जो नवंबर में खरीदे गए तेल से 29% ज्यादा था। तेल के अलावा भारत रूस से सबसे ज्यादा हथियार खरीदता है। रूस की तरफ से भारत को S-400 मिसाइल सिस्टम का तीसरा रेजिमेंट जल्द मिलने वाला है।